हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ डायरी ऑफ सिक्योरिटी। बेबी रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 क्विकली आयरन रिच फूड के बारे में, जिससे कि बेबी की हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 पे आता है जागरी और गुड़। 100 ग्राम ऑफ गुड़ से 11 से 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन पाया जाता है। तो इसी हिसाब से गुड़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन रिच फूड के हिसाब से लिया जाता है। गुड़ बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखने में मदद करता है और रोज़ाना गुड़ के सेवन से बेबी में बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी दिखाई नहीं देता। तो इसी वजह से प्लीज़ आप अपने बेबी को गुड़ इंट्रोड्यूस कीजिए लिक्विड के फॉर्म में या फिर खाना में मिला के बेबी को गुड़ खाने के लिए दीजिए। नंबर 2 में आता है मलबरी और शहतूत। करीबन 100 ग्राम ऑफ शहतूत में लगभग 1.9 mg ऑफ आयरन होता है। इस शहतूत में बहुत सारे मिनरल, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। शहतूत बेबी को कैंसर से भी बचाने में सहायक होता है, क्योंकि इस शहतूत में बहुत सारी अमाउंट ऑफ एंटी एंथोसियानिन होता है। शहतूत में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये वायरस एंड बैक्टीरिया से बेबी को प्रोटेक्ट करता है। सो आपकी बेबी को शहतूत आप दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नंबर 3 पे आता है स्वीट पोटैटो और शकरकंद। 100 ग्राम ऑफ शकरकंद में करीबन 0.6 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। शकरकंद में विटामिन B6 बहुत अमाउंट पे होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए भी बहुत अमाउंट में पाया जाता है, जो कि बेबी की आई को प्रोटेक्ट करने में सहायक होता है। इसमें बहुत सारी फाइबर भी मिलता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो आप अपने बेबी को स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नंबर 4 पे आता है बीटरूट और चुकंदर। बीटरूट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद फूड में से एक है। बीटरूट में विटामिन सी होता है। बीटरूट डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखने में भी मदद करता है। बीटरूट में फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बेबी की बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकलने में मदद करता है। बीटरूट में बहुत सारी मिनरल मिलता है, जैसे कि कॉपर एंड मैग्नीशियम। हम बेबी को बीटरूट की जूस बना के भी दे सकते हैं और उन्हें इसकी प्यूरी बना के भी दे सकते हैं। 100 ग्राम ऑफ बीटरूट में करीबन 0.8 ग्राम ऑफ आयरन पाया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 में आता है पोमीग्रेनेट और अनार। 100 ग्राम ऑफ पोमीग्रेनेट में करीबन 0.3 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। अनार में और भी बहुत सारी पोषक तत्व है, जो कि बेबी के बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम एंड बहुत सारी कैलोरी। अनार को हम जूस बना के बेबी को दे सकते हैं। रोजाना अनार के जूस लेने से बेबी के बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी दिखाई नहीं देगा। नंबर 6 पे आता है डेट्स और खजूर। 100 ग्राम ऑफ खजूर में करीबन 0.3 mg टू 10.4 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। डेट्स में भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल होता है, जैसे कि प्रोटीन, डेट्री फाइबर एंड बहुत सारी अमाउंट ऑफ विटामिन B1, B2, B3 एंड B5 पाया जाता है। खजूर में फाइबर एंड अलग अलग एमिनो एसिड होता है, इसी वजह से खजूर भी बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है। आप बेबी को खजूर की सिरप बना के दे सकते हैं और इसे भिगो के ब्लेंड करके दे सकते हैं। नंबर 7 पे आता है रागी। 100 ग्राम ऑफ रागी में 4 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। रागी एक हेल्दी फूड होता है, सो आप बेबी को रागी जरूर दीजिए। रागी में एमिनो एसिड होता है, जो कि फैट रिड्यूस करने में मदद होता है। रागी में आयरन होने के कारण ये बेबी को होने वाली एनीमिया से सेफ रखता है। रागी में गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है। आप रागी की खीर बना के बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8 पे, जो कि है ड्राई ग्रेप्स और किशमिश।
100 ग्राम ऑफ किशमिश से करीबन 1.9 मिलीग्राम ऑफ आयरन पाया जाता है। किशमिश पोटेशियम एंड मैग्नीशियम से भरपूर होता है, इसी वजह से रोजाना किशमिश खाने से एसिडिटी नहीं होता। किशमिश में फेनोलिक कंपाउंड की होने की वजह से ये बेबी को कैंसर से प्रिवेंशन देता है। किशमिश रोजाना बेबी को खिलाने से बेबी में कभी भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। आप किशमिश को भिगो के खिला सकते हैं बेबी को। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे, जो कि है सनड्राइड टमाटो। 100 ग्राम ऑफ सनड्राइड टमाटो में करीबन 2.7 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन रिच फूड है। इसे हम बेबी को खिचड़ी में मिलाकर दे सकते हैं। चलते हैं 10 नंबर, जो कि है वाटरमेलन और तरबूज। 100 ग्राम ऑफ वाटरमेलन में करीबन 0.2 mg ऑफ आयरन पाया जाता है। वाटरमेलन में 90% ऑफ वाटर होने के कारण ये बेबी के बॉडी को हाइड्रेट रखने में सहायक होता है और कोई किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। विटामिन सी की अमाउंट ज़्यादा होता है इस वाटरमेलन में, सो बेबी के स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। बेबी को वाटरमेलन